नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार विदंकित में स्वागत करता हूँ। हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज। आज के वीडियो में हम देखेंगे इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए इंसर्ट टैब। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को होम टैब के बारे में बताया था, काफी लोगों ने उसे पसंद किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, आप इसको जितना प्रैक्टिकली करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ही नहीं। आप जितना खुद से करके देखेंगे आपके ज्यादा समझ में आएगा। चलो ज्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सबसे पहले मुझे ये बटन अपनाने के लिए एक कंटेंट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इजिकल टू RAND छोटा ब्रैकेट खोलो बंद कर दो एंटर कर दो। ये मुझे एक तरह से सैंपल वीडियो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, सैंपल वीडियो डिस्प्ले हो जाएगा, मैं इस पे अपना कंटेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं मेरा इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, अगर मान लो मुझे कोई भी अपनी टेबल बनानी है तो मैं क्या करूंगा, टेबल पे जाऊंगा, मुझे जितने रो और कॉलम बनाने हैं वो मैं यहां से बना सकता हूं। मान लो मुझे ये चार, एक दो तीन चार पांच छह, छह रो बनानी है, तीन कॉलम बनाने हैं, तो मैं यहां से आराम से बना सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहां से ये एक, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें कंट्रोल प्लस से, इसको थोड़ा सा अगर मैं देखूं, यहां से मैंने ये साइज सिलेक्ट किया और इसको मैं बड़ा कर सकता हूं। होम पेज पे गए, ये मैंने बड़ा कर लिया, अब आपको आराम से ये चीजें दिख रही होंगी। अगर मुझे ये टेबल डिलीट करनी है, ये वाली टेबल मुझे डिलीट करनी है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, पूरी टेबल मेरी सिलेक्ट हो जाएगी और शिफ्ट और डिलीट दोनों को एक साथ दबाऊंगा, मेरी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। किससे, शिफ्ट और डिलीट के साथ। अगर मुझे यही टेबल दोबारा करनी है तो ये आप यहां से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर मुझे मान लो इसकी एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो चार्टशीट, अब मुझे बड़े बड़े रोल नंबर या बड़े बड़े फैक्ट्री में या फिर एजुकेशन में मुझे इससे ज्यादा सीट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा आप इंसर्ट टेबल पे जाओ। इंसर्ट टेबल का काम क्या होता है, इसमें पूछेगा आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितने चाहिए। मान लो आपने नंबर ऑफ कॉलम मेरे तीन रखे, नंबर ऑफ रो दो रखी, आप ओके करोगे तो आपके तीन रो और दो कॉलम आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। रो बोलते हैं हम लेफ्ट टू राइट और कॉलम बोलते हैं टॉप टू बॉटम। अगर इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं तो आपकी एक चीज और करते, अगर मुझे ये डिलीट करना है तो यहां से जाऊंगा, पूरी सिलेक्ट हो गई और शिफ्ट और डिलीट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, आगे आता है मेरा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि मान के चलो मुझे पेन से ड्रॉ करनी है टेबल, पेन से, तो मैं क्या करूंगा, पेंसिल ड्रॉ टेबल पे जाके यहां से मैंने ये टेबल ड्रॉ कर ली, यहां से मैं ये लाइन जहां भी मेरा मन करेगा वहां पे ये मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे भी करना चाहे। कहने का मतलब मैं पेन से कर सकता, अब ये पेन वाली फॉर्म है, अब मुझे सीधा सीधा कर्सर पे लाना है तो मैं ड्रॉ टेबल पे जाऊंगा, ये मेरा कर्सर फॉर्म में आ गया, मैं यहाँ कुछ लिख भी सकता हूँ, इसको यहां से सिलेक्ट, मुझे डिलीट करनी है, यहां से पूरा सिलेक्ट करो और शिफ्ट और डिलीट से मेरी डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, ये नेक्स्ट आता है मेरा एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर मान लो मैं वर्ड में काम कर रहा हूं या काम करना पसंद करता हूं, मुझे एक्सेल शीट इसी पे डिस्प्ले करनी है, मतलब इसी पे एक्सेल पे भी काम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाओगे तो एक्सेल स्प्रेडशीट इसी में ही खुल के आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो और ये जितने भी कमांड हैं वही हैं जो एक एक्सेल शीट में डिस्प्ले होते हैं। अगर आपको ये डिलीट करना है तो कंट्रोल एक ये आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लो और ये शिफ्ट और डिलीट करके मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गई, या कंट्रोल जेड से आप बैक जाके भी इसको डिलीट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये आता है मेरा क्यूक टेबल। क्यूक टेबल मेरा क्या कहता है, क्यूक टेबल बोलता है ये पहले से ही ऑलरेडी इनबिल्ट हैं ये चीजें, कि मुझे ज्यादा टाइम ना मिले। मान लो मुझे कैलेंडर की फॉर्म में कुछ चीजें
बनानी है। अगर मैं खुद मैनुअली बनाऊंगा तो मुझे इस चीज में काफी टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, टेबल पे जाता हूँ और क्विक टेबल पे जाके ये मैं कैलेंडर टाइप का डिस्प्ले कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरी खुद ऑटोमेटिक ये चीजें बनी आ जाएंगी। आप यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अगर मुझे ये चीज डिलीट करनी है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और सीधा सीधा शिफ्ट और डिलीट करके ये चीज मेरी चली जाएगी। चलिए, टेबल ये सारी चीजें मेरी हो गई। आप नेक्स्ट चलते हैं, मैं कोई भी एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो मैंने ये टेबल ड्रॉ कर ली, चार रो और चार कॉलम की मैं ये टेबल कर लेता हूँ। अगर मैं टेबल पे ये करूंगा तो मेरे दो ऑप्शन खुल जाते हैं, डिजाइन और लेआउट। लेकिन ये दो ऑप्शन तभी खुलेंगे जब आप टेबल पे क्लिक करोगे। अगर टेबल से आगे मैं अलग क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ से गायब हो गई है ऊपर। मैं क्या करूंगा, जब टेबल पे आता हूँ तभी ये खुलते हैं। मान लो मुझे कुछ भी ये एक्स वाई जेड कुछ नाम लिखना है, जैसे मान लो मैंने लिखा नेम, ये लिखी मेरी क्लास, ये लिख दिया मैंने रोल नंबर और ये लिख दिए मैंने मार्क्स। अगर मान लो नेम मैं लिख दिया एक्स, ये किसी बच्चों के नाम दे दिए वाई, क्लास दे दिया मैंने फाइव और ये दे दिया मैंने सिक्स, रोल नंबर दे दिया मैंने 12 और ये दे दिया मैंने 14। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अगर मान लो मुझे किसी भी फॉर्म में ये चेंज करना है तो आप गौर से देखो, यहां से मैं कोई भी इसकी एक टेबल स्टाइल से जाके स्टाइल अपनी चूज कर सकता हूँ। जो भी मुझे पसंद आएगा वो मैं कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये ले ली, ये मुझे पसंद आई, मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। चलो, शेडिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैं गया यहाँ पे, सबसे पहले इसको नॉर्मल में लेके आते हैं। मैं गया और मैंने यहाँ से एज इट इज नॉर्मल फॉर्म में कर ली, सारी शेडिंग हटा दी। इसमें क्या होता है, मैं सीधा यहाँ पे गया शेडिंग, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है ये मेरा थोड़ा सा डिस्प्ले हो जाए, सबसे अलग दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, शेडिंग पे डाल के मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। आप देखो इसका सबसे अलग कलर आ गया। अगर मुझे इसको हटाना है तो इस पे हटाओ, शेडिंग पे जाओ और नो कलर कर दो, ये आपका हट जाएगा। चले, मैंने ये टेबल बना लिया, नेम फिजिक्स मैथ जीके, सभी के नाम दे दिए, सभी के ये दे दिए। अब मैं ये चाहता हूँ लेआउट में जाके कि ये जो भी लाइन है जो बनी हुई है ये हटा दो, तो मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा। लेआउट में जाओ, आप डिजाइन में जाओगे, बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नो बॉर्डर करोगे, ये पूरे को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ कोने पे गए, बटन सिलेक्ट किया, डिजाइन में गए, बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दो, नो बॉर्डर। आप देखो जो जितनी भी लाइनें थी चारों तरफ की वो मेरी अब हट चुकी है। अगर मुझे वो लाइनें दोबारा वापस लानी है तो यहीं पे क्लिक करो, डिजाइन पे गए, बॉर्डर पे आप जाओगे, लेफ्ट के लेके आनी है। मान लो मुझे सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट की चाहिए, तो आप देखो अगर मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने पूरी सिलेक्ट कर ली और मैं ये चाहता हूँ सिर्फ मेरी लेफ्ट की आए, तो यहाँ से बॉर्डर पे जाके लेफ्ट सिलेक्ट करोगे तो आपकी लेफ्ट की लाइन बन गई। ऐसे ही मैं राइट की सिलेक्ट करूंगा, राइट की हो जाएगी। और अगर मुझे ये पूरा ही करना है तो पूरे को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डिजाइन पे जाके बॉर्डर पे गए और ये ऑल बॉर्डर कर दोगे तो आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर मान लो किसी एक टैब को करना है, मान लो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिजाइन पे गए और मैंने ये क्या किया, यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर दिया, नो बॉर्डर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ जो ये 58 वाला जो रो ये सेल है चारों तरफ इसके बॉर्डर बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा डिजाइन पे गया, डिजाइन पे जाने के बाद आप बॉर्डर पे जाओ और बॉर्डर पे जाने के बाद आउटसाइड बॉर्डर करोगे। आप आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो देखो 58 के चारों तरफ मेरी ये लाइन डिस्प्ले हो गई। फिर मुझे लाइन इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर इसी पे आप क्लिक करो और फिर डिजाइन पे जाओ, आपको ये जो बाकी के दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं मेरी लाइन है। मान लो आपको किस तरह की लाइन चाहिए, मैंने ये क्या किया, बॉर्डर पे गया और ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। ऑल बॉर्डर करने के लिए इसको सिलेक्ट करो, डिजाइन पे गए और यहां से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ की मेरी लाइन बन चुकी है। चलो, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइनें चेंज करनी है। मान लो मुझे ऐसी लाइन चाहिए, जैसी भी फॉर्म में मुझे अपनी लाइन चाहिए तो मैं वैसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा पूरी सिलेक्ट किया, डिजाइन पे गए आप, डिजाइन पे जाने के बाद जिस तरह की भी आप लाइन देखोगे उस तरह की आपकी लाइन कन्वर्ट हो जाएगी। चलो, आप यहाँ से खुद ड्रॉ भी कर सकते हो,
मैंने यहाँ से ये ऑप्शन हालांकि मैं बता चुका हूँ, यहाँ आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अब मुझे जिस तरह की भी चाहिए आप यहाँ से चूज कर लो। मान लो मुझे एक सिंगल डॉटेड लाइन चाहिए तो मैं यहाँ से सिंगल डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूंगा, तो आप देखो ये डॉटेड लाइन बन गई। अगर मान लो मुझे ये डॉटेड लाइन कोई भी लेंथ चाहिए, मान लो 6 PPT का चाहिए, तो मैं यहाँ से 6 PPT लेके इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा मान के चलो ये मेरा है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट का ये हाइट। ये आप लेआउट पे गए, सबसे पहले मेरा डिजाइन पे चल रहे थे, इरेजर। इरेजर पे क्या हो रहा था कि मान लो मुझे कुछ भी इरेज करना है, ये मुझे 85 मिटाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से बैक स्पेस से भी कर सकते हैं या इरेजर से। आप मान लो डिजाइन पे गए और इरेजर लिया, आप कुछ भी मिटा भी सकते हो। मुझे ये लाइन मिटानी है, मैंने मिटा ली यहाँ से इरेजर से। आप जो जो लाइन मिटाते चले जाओगे वो मिटती चली जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना लेआउट पे। लेआउट पे लेआउट मेरा क्या बोलता है, ड्रॉ टेबल पे ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुकी है। लेआउट, लेआउट में क्या होता है, मान लो ये कुछ मेरा है और मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, टेबल पे क्लिक कर, एक मिनट, डिजाइन पे आप जाओगे और ये हटाने के लिए ड्रॉ टेबल पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तभी मेरा कर्सर चेंज होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं मेरा लेआउट। लेआउट में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने ये पूरी सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ से डिजाइन पे जाके और अपने बॉर्डर हटा लिए, नो बॉर्डर कर लिया। नो बॉर्डर हटने के बाद आप देखोगे कि ये चीज कुछ ऐसी हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ ये मुझे दिखाई नहीं दे रही कि अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट गया और लेआउट के बाद ग्रिड व्यू ग्रिड लाइन मैं देखूंगा। देखो अब ग्रिड लाइन हट गई, सारी की सारी ग्रिड लाइन हट गई, लेकिन अगर मुझे ये दोबारा लेके आनी है तो मैं लेआउट पे जाऊंगा और व्यू ग्रिड लाइन, आप देखो लाइनें बन गई। मुझे ये पता चल जाएगा कौन सा डेटा मेरा रो का है, कौन सा डेटा मेरा कॉलम का है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा लेआउट में जाके इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव का काम क्या होता है, आप देखें, अगर मैं चाहता हूं ये नेम फिजिक्स मैथ के ऊपर मेरी कोई एक रो और ऊपर बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा, लेआउट में जाके मैं सीधा सीधा इंसर्ट एबव कर दूंगा। आप देखो इंसर्ट एबव में उसके ऊपर एक पूरी की पूरी रो मेरी बन गई। मैं चाहता हूं कि मेरे एक्स के ऊपर बने, मतलब एक्स और नेम के बीच में बने, तो मैं क्या करूंगा, एक्स पे कर्सर लेके आऊंगा, लेआउट पे जाऊंगा और सीधा सीधा इंसर्ट एबव कर दूंगा। तो आप देखो इसके ऊपर, अगर मुझे जेड के नीचे करना है तो जेड पे सिलेक्ट करूंगा, लेआउट पे जाऊंगा तो और ये क्या कर दूंगा, इंसर्ट बिलो। ऐसे ही मुझे लेफ्ट में करना है तो यहाँ पे कर्सर लिया मेरा, सीधा लेआउट में गया, इंसर्ट मेरा लेफ्ट भी हो सकता है मेरा, ऐसे मैं यहाँ पे राइट अगर मुझे लेना है तो कर्सर गया मेरा, लेआउट गया और ये मेरा राइट भी हो सकता है। चलो मैं ये चाहता हूं कि मेरी ऊपर की लाइन पूरी की पूरी ये एक लाइन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप लेआउट में जाओगे और ये जो दे रखा है मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है किसी चीज को एक चीज में शामिल कर लेना, आप मर्ज पे क्लिक करो और ये पूरी की पूरी मेरी एक हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी शीट पे, मैंने क्लिक किया लेआउट, लेआउट स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में क्या होता है कि मान लो कोई भी सेल है मुझे दो हिस्सों में तोड़ना है, जैसे ये सेल है मुझे क्या करना है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, इस पे क्लिक करूंगा और सीधा सीधा डिजाइन में जाके मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट सेल। अब ये कितने रो और कितने कॉलम में आपको तोड़ना है यहाँ से ये पूछेगा, मान लो मैंने दो रो और दो कॉलम में ओके कर दिया, तो आप देखो दो और दो रो में ये मेरा टूट गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो आप कंट्रोल जेड करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हैं। इस पे क्लिक किया, लेआउट पे गए हम आगे। नेक्स्ट होता है स्प्लिट टेबल। किसी टेबल को हमें 200 में स्प्लिट करना है तो सीधा सीधा मैं किस पे क्लिक करूंगा, स्प्लिट टेबल पे। नेक्स्ट आता है मेरा ऑटोफिट। ऑटोफिट किस काम आता है, मैंने पूरी टेबल सिलेक्ट की और ये मैंने शिफ्ट डिलीट डिलीट हो गई, इस टेबल को भी मैं डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट और डिलीट ये मेरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट टेबल बनाता हूं अपनी कोई भी, मान लो मैंने ये टेबल बनाई टेबल, नेक्स्ट ऑप्शन मेरा टेबल पे जाके लेआउट खुला, ये होता है मेरा ऑटो फिट।
ऑटो फिट मेरा किस काम में आता, ऑटो फिट कंटेंट ये मैंने कोई भी कर दिया। मैं जैसे जैसे अपना कंटेंट लिखता चला जाऊंगा किसी कॉलम में, उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली उतनी होती चली जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरा ऑटो फिट विंडो। लेआउट में आप जाओगे, ऑटो फिट विंडो में आपके कलेक्ट ये पूरा का पूरा विंडो का साइज ले लेगा जितनी भी मेरी विंडो होगी। ऐसे ही नेक्स्ट आता है मेरा ऑटो फिट में जाके फिक्स कॉलम। मान लो कोई भी मुझे कॉलम फिक्स चाहिए तो वो मेरा कॉलम फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट आता है मेरा हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ में क्या होता है, जैसे मान लो कुछ मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है किसी कॉलम की या घटानी है, तो मैं यहां से इसको घटा सकता हूं। ऐसे ही विड्थ चौड़ाई देखो कॉलम की, मुझे लेफ्ट ले जानी है या राइट ले जानी है, वो यहां आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एक आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो में क्या होता है, जैसे मान लो ये है कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ये आपको जो रो दिख रहे हैं इनका साइज सेम नहीं दिख रहा। मैं क्या करूंगा, पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लेआउट में जाके डिस्ट्रीब्यूट रो कर दूंगा। डिजाइन लेआउट पे गए आप, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दिया, तो आप देखोगे कि कॉलम की लेंथ मेरी पूरी की पूरी सेम हो गई। ऐसे ही मैं रो का भी कर सकता हूँ। मान लो ये रो के मैंने अपने साइज बड़े और छोटे कर दिए, मैं क्या करूंगा पूरे को सिलेक्ट करूंगा। यहां से आप पूरे को सिलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट रो करोगे तो आपका वो रो पूरे के पूरे बराबर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसको सीधा सीधा डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट और डिलीट। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमें फिर ये दोबारा इंसर्ट टेबल बनानी पड़ेगी। मान लो मैंने ये टेबल बना ली, अब टेबल पे जाने के बाद मेरा लेआउट ऑप्शन खुल जाएगा। नेक्स्ट आता है, मैंने मान के चलो इसमें मैंने 45 कुछ लिख दिया, 44 लिख दिया किसी भी सेल में। अब मैं ये चाहता हूँ ये यहाँ ना आके ऊपर आए या नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा इस पे क्लिक करके लेआउट पे गए। आप देखो ये जो ऑप्शन है ये बता देंगे आपको लेफ्ट में लेना है या फिर आपको राइट में लेना है, तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जहां भी आपको चाहिए ये वहां भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लो आपको उल्टा पुल्टा लिखना है तो ये यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। देखो ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपको चेंज हो जाएगा। कुछ हमें मिरर इमेज वगैरह बनानी है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा टेक्स्ट डायरेक्शन सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में क्या होता है कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये मेरा जो 44 है ये बिल्कुल बीच में आए या साइड में आए या इधर आए, तो मैं वो कैसे, आप यहां से सेल मार्जिन करके भी कर। इसमें क्या होता है कि मान लो टॉप और बॉटम, मैं चाहता हूं कि टॉप से 0.5 पे हो, बॉटम से भी मेरा 0.5 पे हो और लेफ्ट मेरा आ जाए पूरा 1 और राइट भी मेरा आ जाए कितना 1। मैं यहां से जैसे ही सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो आप देखोगे जो मेरा 44 था वो मेरा इस टाइप से आ गया। ठीक है, 44 मतलब वो मैंने साइज थोड़ा सा उल्टा सीधा ले लिया, आप अपने हिसाब से दोगे, ज्यादा नहीं दोगे तो वो एक ही जगह आ जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लो मैं इसको दे देता हूँ 0.5, इसको भी दे दिया मैंने 0.5। अगर मैं ये ओके करता हूं तो आप देखो 44 एक ही जगह आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरा लेआउट में गए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, मान के चलो मैंने कोई भी दो तीन नंबर ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया 45, ये मैंने ले लिया कितना 23 25 और ये ले लिया मैंने 35। अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखूं, तो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा यहां से लेआउट पे गया और लेआउट पे मेरा एक ऑप्शन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग पे आप क्लिक करोगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, पहले सबसे छोटा आएगा और इसमें सबसे छोटा कितना है मेरा 25, आप देखो 25 35 और फिर मेरा इसी फॉर्म में 45 आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ बढ़ते हुए की ना जगह ये मेरा घटते हुए में हो, मैं लेआउट पे जाऊंगा और सीधा सीधा यहाँ से सॉर्टिंग करके ये मेरा डिसेंडिंग क्लिक करूंगा तो ये मेरा डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मैं लिखता हूं क्लास, इस पे मैंने लिखा नेक्स्ट पे रोल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने दे दिया पूरा सब्जेक्ट और आगे दे दूंगा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी दे दो आप, जो आपका मन करे आप दे सकते हो।
फिजिक्स ये नेक्स्ट में मैं दे देता हूं मैथ। ठीक है, अब मैंने ये बच्चों के मार्क्स एक सीट तैयार कर ली। मान लो मेरे पास क्या, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने एक सीट तैयार करनी है, वो एक पेज पे तो आएगी नहीं मेरी, वो नेक्स्ट पेज पे भी जाएगी। अगर वो नेक्स्ट पेज पे जाएगी तो मुझे एक चीज समझ में आती है, ये चीजें मुझे फिर भी जरूरत पड़ेंगी ये ऊपर की हेडिंग लिखने की। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट करके हेडर रो कर देता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ से जाके आप हेडर रो कर दोगे, जैसे ही मेरा पेज चेंज होगा तो ये चीजें ऊपर की कौन सी, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर और फिजिक्स मैथ, ये खुद पे खुद आपको नए पेज पे ये लिखे मिल जाएंगे। आपको बार बार लिखने की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा लेआउट में गए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर है, मैं ये टेबल हटा के इसको ना पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे लिखते हैं पेन से, उस फॉर्म में लाना चाह रहा हूं। तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ मार्क्स पे जाके ओके कर दोगे, तो देखो आप पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। आपको पहले जैसी फॉर्म में लाना है तो आप कंट्रोल प्लस जेड पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो, आप लेआउट पे जाओगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप टैबलेट फॉर्म में लाने हैं तो ये हट जाएंगे, टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा। आप किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहते हैं आपका वो हो जाएगा। एक होता है मेरा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने ये एक नंबर पुट किया यहाँ पे 45, यहाँ कर दिया 54, और मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा मुझे सम करना है। ये क्या करना है, मुझे सम करना है। मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा लेआउट पे जाऊंगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, इक्वल टू सम इज इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट के सम। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जितने भी इसके लेफ्ट के होंगे सभी का क्या निकल के आ जाएगा, सम। फॉर्मूले पे गए, सम लेफ्ट है मेरा, मैं ओके कर दूंगा, तो ये सभी का सम मेरा कितना आ गया, 178। कितना आ जाएगा, 178। आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई, ये बहुत सारे फॉर्मूले मेरे दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आप एवरेज भी निकाल सकते हो, काउंट भी, डिफाइंड भी, फॉल्स, ये सारी चीजें इसमें इनबिल्ट हैं। आप यहां से कोई भी चूज करके आप इसमें कर सकते हो। चलो दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आधारित। क्वेश्चन नंबर वन मेरा क्या बोल रहा है, इंसर्ट ए डैश टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डेटा, फर्स्ट हाइपरलिंक, फुटर, हेडर, चार्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लो हम कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं या किसी डेटा को एक दूसरे से कंपेयर कराना चाह रहे हैं, किसके ज्यादा मार्क्स हैं, किसके कम हैं, या कोई भी कितना ग्रोथ कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है, तो वो चीज हम किसमें करेंगे, आप सभी लोग जानते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट ही तो बनाते हैं। बचपन में हम लोग चार्ट ही तो बनाते थे कि कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एमएस वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू, फर्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, डिलीट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में आप जो स्टाइल यूज करते हो वो किस लिए होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए, डिलीट टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए, या उसकी कॉपी बनाने के लिए। तो आप लोग सभी जानते हो भाई वो किस लिए यूज होता है, मेरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट का क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में चेंज करने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना स्टाइल यूज करते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 3, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप खुद बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन। पेज साइज और मार्जिन का चेंज करने के लिए, बड़ा करना है, छोटा करना है, मार्जिन कितना लेना है, मार्जिन का मतलब होता है साइड से कहां से स्टार्ट होगा, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं ये आप लोग मुझे पता करके बताओ। ये चीजें मैंने वीडियो में पीछे जाके समझाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन एमएस वर्ड वी इंसर्ट पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल, ऑल ऑफ दीज। एमएस वर्ड में हम क्या इंसर्ट करते हैं, एमएस वर्ड में हम क्या इंसर्ट करते हैं, आप पहला पेज नंबर, दूसरा आ जाएगा मेरा टेक्स्ट बॉक्स,
तीसरा आ जाएगा मेरा टेबल, टेबल कर सकते हैं या ऑल ऑफ दी, भाई ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप पेज नंबर डालना चाह रहे हो वो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कुछ लिखना चाह रहे हो किसी बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं, टेबल मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा मेरा ऑल ऑफ दीज, ये सारे काम हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट मैं बना चुका लेकिन मुझे बाद में याद आया कि भाई मैंने तो इसमें कुछ गलती कर दी या मुझे ये चीज इसमें बदलनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसमें, तो उसके लिए आप सभी लोग जानते हो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्रिएटिंग, एडिटिंग, चेंजिंग, मॉडिफाइंग। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, हमेशा एडिटिंग। किसी भी चीज में कुछ जोड़ना हो, घटाना हो या कुछ भी करना हो तो वो सारी चीजें मेरी किसमें आती है, एडिटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा एडिटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर फॉलोइंग इज यूज्ड। किसी डेटा को एक जगह से हम दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, कट एंड पेस्ट, कट एंड डिलीट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड अंडू। देखो कट एंड पेस्ट से क्या होता है, सबसे पहले हम कट करेंगे तो वो चीज वहां से कट जाती है और जहां जाके पेस्ट करना है तो वो हम क्या करेंगे, जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कट एंड डिलीट में क्या होगा, कट जाएगा और आप डिलीट कर दोगे तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है, आप कॉपी करोगे तो वो डेटा कॉपी हो जाएगा, जहां पेस्ट करोगे तो पेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा वही सेम डेटा आपको दो जगह दिखाई देगा, जहां से आपने कॉपी किया और जहां पे पेस्ट किया। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि ये डेटा यहां से हमेशा के लिए हट जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड अंडू। कॉपी किया, अंडू का मतलब होता है कोई चीज फिर वापस चले जाना उसी पे। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा मेरा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गो टू एंड पेज, गो टू एंड पेज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे आखिर में पार्ट पे जाना है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नम लॉक, टैब, एंड और होम। तो आपको बता दूं नम लॉक जो होता है वो हमेशा इसलिए होता है, जैसे कीबोर्ड वगैरह में क्या होता है कि नम लॉक अगर हम दबा देंगे तो ये 1, 2, 3 के जो बटन होते हैं, नुमरिक नंबर जो होते हैं वो काम करने लगते हैं। टैब जो होता है, टैब में एक फॉर्मेट होता है, सारी चीजें आती है। एंड में क्या होता है कि जो इसका आंसर आ जाएगा मेरा एंड, अगर मैं एंड बटन दबा दूं तो जो पेज का सबसे लास्ट वाला पेज होगा मैं उस पे चला जाऊंगा। अगर मुझे होम दबाना है तो मैं किसी भी पेज में हूं, सबसे पहले वाले पेज पे आ जाऊंगा जो कि मेरा क्या होता है, होम पेज। अगर हम बात करें नेक्स्ट, डैश कैन बी यूज टू नेविगेट ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रू स्मॉल पिक्चर। मतलब होता क्या है कि डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे हमें छोटा सा दिखाना है, हमें ये पता चल जाए कि इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा उसके लिए क्या होता है। आपने यूट्यूब वगैरह में देखी होगी, उसमें क्या होता है मेरा एक थंबनेल सा होता है, उसी से पता चलता है कि इसमें जो वीडियो वगैरह है वो किस तरह की रही होगी या इसमें क्या डेटा होगा। तो उसके लिए क्या होता है मेरा थंबनेल, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, फर्स्ट है मेरा थंबनेल, दूसरा है मेरा डॉक्यूमेंट में, तीसरा है मेरा ग्रिड लाइन, चौथा है मेरा रूलर। तो उसके लिए मेरा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर वन क्या आ जाएगा, थंबनेल। थंबनेल में क्या होता है कि अगर मैं देखूं तो एक फोल्डर में छोटी सी पिक्चर आ जाती है, उससे पता चल जाता है कि इसमें मेरा क्या डेटा या कंटेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट और टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। मुझे क्या करना है, एक पेज पे कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है और सारा का सारा कंटेंट एक ही बार में सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाता है, मेरा सेव हो जाता है। कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी मेरा पेस्ट के काम में आता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो मेरा कंट्रोल प्लस ए होगा, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मुझे पूरा पेज सिलेक्ट करना है तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, जिससे मेरा पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बाकी के अभी इसके एक दो लेक्चर और बनेंगे। ये चीजें आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको किसी में कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसमें लिख सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उसको रिवर्ट करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।